सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मुझ एक बार तो मैं डर गई थी, अभी मैं नहा के आई हूँ। मुझे लगा आज एकादशी है, एकादशी कल है, आज संडे है, तो एक बार मुझे लगा यार आज तो एकादशी है, मतलब मैं डर गई थी। फिर देखते हैं आज क्या करेंगे, अभी जस्ट नहा के ही आई हूँ मैं। अभी कपड़े चेंज करूँगी, पूजा पाठ है ना, ऑल यू नो एवरीथिंग। हाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि देखो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे को 2 मंथ होने वाले हैं। अगर मैं फेक होती ना यार, बंदा एक दिन फेक कर लेगा, 2 दिन फेक कर लेगा, 3 दिन फेक कर लेगा, तो इतना फेक नहीं कर सकता, ठीक है। पर पता नहीं लोग, कुछ लोग कैसे क्या सोचते हैं, दूसरों को ऊपर ऊपर से देख के अपने मन में ही ना कुछ भी दूसरे की इमेज बना लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है भाई। चलो मुझे तो क्या है, मैं तो देखो जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी। और मतलब मेरा एक टारगेट था इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, अदरवाइज मैं बचपन से ही ऐसा, यही रूटीन है मेरे लाइफ के, यही रूटीन है, पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना, योगा करना, रनिंग करना एंड डांस करना। ज़्यादातर घर ही रहते हैं हम, ज़्यादातर बाहर तो बहुत कम जाते हैं। मतलब ये है कि बाहर तब जाते हैं जब बिल्कुल बोर हो गए हो घर पे, या कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ खरीदना है, या कुछ काम है, तभी हम बाहर जाते हैं। इतना ऐसे भी हम बाहर नहीं जाते कि मुँह उठाए डेली बाहर बाहर बाहर, नहीं। या वीडियो शूट करनी है तभी ऐसे बाहर जाते हैं हम, ऐसे ही नहीं कि मुँह उठाया कहीं भी चल दिए। तो यहाँ पे मैं जल अर्पित करने के बाद वो देख रही थी जो मैंने प्लांट्स वगैरह लगाए थे, तो एक प्लांट तो थोड़ा थोड़ा आ गया, पता नहीं कैसे क्या रहेगा, क्योंकि ये वाले सीड तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए। तो फिर मैंने थोड़े थोड़े, कहते हैं ना मिट्टी को ऊपर से थोड़ा थोड़ा खोद देते हैं, डग कर देते हैं, फिर मैंने वो करा और थोड़ा थोड़ा पानी भी छिड़क दिया सारों में, तो 5-6 गमले थे। तो इससे मतलब अच्छा रहता है ये, मतलब काइंड ऑफ की देखते हैं फ्यूचर में कैसे क्या रहेगा। आई होप ये ग्रो हो जाए प्लांट्स, बट फिलहाल तो कुछ खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। सो गाइस ये वही काड़ा है। सो गाइस मम्मी ने आटा बना दिया था, फिर मैंने साइड में रखा, भजन सुनती हूँ मैं ज़्यादातर, तो भजन लगा दिए थे। और यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बना रही थी, भजन चलते रहते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव, मतलब अच्छा फील होता है, माइंड ख़राब नहीं होता, दिमाग में कुछ नेगेटिव नहीं चलता जब हम भजन सुनते हुए कुछ काम करते हैं। तो फिर यहाँ मैंने रोटियाँ बना दी थी। सो गाइस ये है मेरा सुबह का खाना, रोटी सब्जी एंड चाय तो मैं लेती हूँ। और आज थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था 2 दिन से, तो फिर मैंने सुन रहे भजन। सो गाइस ये मेरी वाइट अफगानी पैंट थी, तो जब मैं मेरी मौसी के गई थी तो गलती से मेरी बहन ने इसको सूट के साथ डुबो दिया, तो वो येलो था तो येलोइश हो गई थी, तो फिर इस पर ड्राई क्लीन करने के लिए दी थी, तो अभी ये बिल्कुल चमक चुकी है, फिर से वाइट हो गई है। और
यार अभी मैं कर रही हूँ लैपटॉप चार्ज, बहुत दिन हो गए हैं यार ये, इसमें मेरे को स्टोरेज मतलब मेरे फ़ोन में ना बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो ये निकालना था बस, फिर बीच में पेपर ऊपर आ गया तो फिर मैंने सोचा इसको मैं कभी निकाल नहीं पाऊँगी, तो आज मैं निकाल ही दूँगी इसको, इसकी सारी स्टोरेज फ़ोन की, क्योंकि फिर ऐसे व्लॉग भी नहीं एडिट होते, कुछ नहीं होता, फ़ोन भरता रहता है बार बार। यार ये पूरे एक साल के बाद ओपन कर रही हूँ आई थिंक, और ये माते अभी तक सो रही हैं, पंखा भी बंद कर रखा है मैंने, फिर भी 10 बज चुके हैं। उठ ले भाई, मेरे को पता था ये बात जरूर उठेगी कि ये दोनों बहनें ऐसे बोल बोल के सिंपैथी गेन करती हैं यार। मैंने उस दिन ना बहुत कम बातें बताई, ठीक है बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पता क्या है, कुछ नहीं बता रही मैं, बहुत कम बताया उस दिन, तो मैं ये बातें पहले भी बोल चुकी हूँ, 0% बताया। सिंपैथी गेन करना क्या होता है भाई, कौन सी सिंपैथी गेन कर ली? और रही बात शादी करने की, ऐसे करनी हो ना तो चाहे मैं कल शादी कर लूँ और काजल भी, बट भाई हमारे अंदर, बट वही बात है, फिर बोलेंगे कि ये तो सिंपैथी गेन करती है, तो अपने बारे में ऐसे बोलती है, बड़ाई करती है, ये करती है वो करती है। भाई एक तरीका होता है अपने परिवार देखना है कैसे क्या शादी करनी है, वैसे करेंगे ना, ऐसे एक भगोड़े थोड़ी है, फिर वो फिर बोला जाएगा हमें कि तुम तो दूसरों के ऊपर बोल रही हो। भाई हम दूसरों के लिए नहीं बोल रहे ये दुनिया में, या कोई वही लोग नहीं बचे, दुनिया बहुत बड़ी है, हर किसी के ऊपर बात है, भाई भगोड़े नहीं है कि कभी शादी कर ली, हो जाएगी टाइम से, ना होगी तब भी हमारा मोटिव सिर्फ शादी ही नहीं है लाइफ में, कि शादी ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, होगी जब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है, हम खुश हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शादी ना होने का रीज़न मतलब ये नहीं बताया था कि शादी हमारी वजह से नहीं हो रही, शादी बताया था मैंने क्यों नहीं हो रही, 1 घंटे का व्लॉग बना रखा है मैंने, उसमें देख लिया भाई क्यों नहीं हो रही, रीज़न बताया था, जिन्होंने करवानी होती है, जब वही नहीं करवा रहे तो फिर हम कहाँ से करेंगे भाई, कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि गुड्डा गुड्डी का खेल कोर्ट में जाके कर ली, मंदिर में जाके कर ली, ये हमारे बस की बात नहीं है भाई, हम इतने बड़े हैं ही नहीं। और जो काजल ने बोला था ना कि ट्रेंडिंग में आने का, वो यार हम ना 99% मैं और काजल हम मजाक करते रहते हैं ना, तो हम किसी को टारगेट करते, हमारे मन में 1% भी, वो लड़की जो बोल रही है ना कि मतलब ये उसके लिए बोला इनडायरेक्टली, फलाने के लिए बोला, भाई हम अपनी पर्सनल बात कर रहे थे मैं और काजल, ठीक है, और ये चीज़ हमारे घर में 2 महीने से चल रही है, हम कुछ सोच रहे थे कि कैसे क्या करना है, ठीक है, हम हंसी मजाक करते रहते हैं, हम किसी के लिए सीरियस होके नहीं बोलते, अगर सीरियस होके बोलना होता है ना तो मैं सेपरेट व्लॉग बनाती हूँ, जैसे मैंने वो 1 घंटे का बनाया था ना, ऐसे अगर मुझे किसी इंसान के लिए बोलना भी है ना तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं मुँह पर भी बोल देती हूँ। अब आप ये लोग यहीं से समझ जाओ, मैंने उस व्लॉग में अपने रिश्तेदारों के सबके बोल रखा है कि मामा मामी कज़न ब्रदर ये वो फलाना डिकड़ा, मैं मुंह पे भी बोल सकती हूँ, मैं किसका डर थोड़ी है भाई, तो अगर मेरे को किसी के बारे में, हमें किसी के बारे में बोलना होगा तो हम सेपरेट व्लॉग बना के बोलेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो हमारा मतलब हम हंसी मजाक करते रहते हैं 99% मतलब हंसी मजाक लड़ाई झगड़े में चलता रहता है, हंसी मजाक बस, फालतू कुछ नहीं, लोग ऐवें कुछ भी अपने आप से जोड़ देते हैं। और जैसे मैं तो अभी व्लॉगिंग करने लगी हूँ, ठीक है, थोड़े दिन से ही, काजल तो आई थिंक 2 साल से तो आराम से, क्योंकि जब हमारा घर बनने लग गया था तब से व्लॉगिंग कर रही है, तो इसको तो 2 साल हो गए कम से कम व्लॉगिंग करते, तो जैसे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी प्रैंक करो शादी का, भागने का, ये वो फलाना टिकड़ा, तो यार जैसे ये हम नहीं कर पाते यार, हमने कल काजल के व्लॉग में क्लियर किया कि भाई हमारी फैमिली कैसी है, मतलब दोस्त हैं हमारे पास, अगर ऐसे हम करना चाहे तो कर सकते हैं, बट उसका रिएक्शन मतलब बहुत गंदा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है यार, तो ऐसे मतलब जैसे हमारे घर की सिचुएशन है, क्या ही कह लो, गट्स नहीं है यार, और मतलब हमसे खुद भी नहीं होगा ये एक्टिंग, हमसे नहीं होगी, मतलब कि जैसे ना तो भागने वाली होगी, जैसे मतलब अभी ऐसे हालात, अगर चलो ठीक है ये एक अलग से एक्ट हो, कोई एक्टिंग हो, कोई मूवी सीरियल हो, उसमें तो कर भी दे, बट ऐसे पर्सनली घर में मतलब जैसे हमारा एरिया भी कैसा है मतलब, बट फिर पॉसिबल ही नहीं है चीज़, ठीक है,
तो हम तो 2 साल से प्लान कर रहे हैं, जैसे कि कमेंट आते रहते हैं कि करें क्या ये प्रैंक, बट इसके रिजल्ट काफ़ी घातक हो सकते हैं, तो फिर इसलिए हमने ये वाला प्रैंक नहीं किया। बट लोगों को पता नहीं क्या इधर की बातें उधर करना, अपने के ऊपर लेके जाना। भाई जब मैंने ये बातें पहले क्लियर कर चुकी, अगर कुछ बोलना होगा ना तो हम मुँह पर बोल देंगे, ऐसे किसी का डर नहीं है कि हाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, नहीं बोल सकते अगर कुछ बोलना है ना। और पहली बात तो देखो, मैंने अभी तक अपने व्लॉग में किसी दूसरे पर्सन की बात नहीं की, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं की। और अगर हम करते भी हैं ना, ठीक है, तो हम मुंह पे क्लियर बोलते हैं कि नाम लेके कि ऐसा किसने करा, ठीक है, चाहे वो रिलेटिव्स हो चाहे वो दोस्त हो। मैंने बता दिया था, जैसे मैंने अभी तक थोड़ा बहुत रिश्तेदारों का किया था और थोड़ा बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में बोला था। अब यार देखो, उनकी शादी वादी हो गई है, क्यों किसी का नाम लेना, ठीक है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसकी एक की शादी हो गई, क्यों किसी के घर पर बात करने यार नाम ले लेके। इतनी सेंस तो मेरे में भी है, ठीक है, उनमें बचपना था, उनमें जो भी था, जैसा उनमें दिमाग था, उन्होंने वैसी हरकतें कर दी उस टाइम पे। अब मैं क्यों, और अब जैसे कॉलेज में भी, जैसे भी मतलब स्कूल कॉलेज जितने जिन उनके नाम क्यों लूं यार, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, क्यों उनके घर पर बात करूँ मैं, क्यों, क्या पता उनके पर फैमिली भी देखती हो कोई, नाम लेके क्यों उनकी ज़िंदगी झंड करूं, क्यों उनकी पर्सनल बातें मैं यहाँ क्यों शेयर करूं। मैं अगर किसी के शेयर भी करती हूँ ना तो मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि उस बंदे का मेरी लाइफ में क्या पार्ट था, क्या कुछ हुआ, बस। और जिसका नाम लेना हो तो मैं ले ही देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरी इसकी, क्या कहते हैं कि देखो ना, तो हम सिंपैथी लेते ना किसी को टारगेट करते, ये सब तो काम बच्चों के होते हैं भाई, हमें नहीं करना है, ठीक है, इतना टाइम ही नहीं है यार फालतू, तो किसी के लिए भी इतना टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं बचता, औरों के लिए तो क्या टाइम निकाल लेंगे। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मन की कोई भी बात बता रही हूँ या हमारी फैमिली का ऐसी, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो दूसरे के लिए बोल रहे हैं, नहीं, वो हमारी फैमिली है ऐसी, हम खुद के लिए बोल रहे हैं भाई। और एक ये बात थी कि पहले तो तुम बोलते थे कि लव मैरिज कर लेंगे, अब क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं है, हमने मना नहीं किया। मैंने क्या बोला था कल भी, मैंने काजल के ब्लॉग में बोला था कि घर वाले पहली बात तो 99% मानेंगे नहीं, ठीक है, अगर हम लव मैरिज करते हैं तो, और अदर कास्ट के लिए भी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। बट मैंने 1% बोला था यार, इतना तो दिमाग होना चाहिए, कोई बच्चों का खेल नहीं। अभी भी मैं सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही कि कोई सोचे कि उसके लिए बोल रहे हो उसके लिए, नहीं, मैं सिर्फ खुद के लिए बोल रही हूँ कि दैट इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए बच्चों का खेल नहीं है कि मुँह उठा के किसी से भी शादी कर लूँ या किसी के परिवार में जाके बहू बन जाऊँ, मेरे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रही कि हर कोई मुंह उठाता अपने ऊपर अपनी बात को ले जाता है। मैं मेरे व्लॉग में जो भी बात करती हूँ खुद के लिए करती हूँ, और दूसरे के लिए करती हूँ तो मैं उसका बोल देती हूँ कि किसके लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। फिलहाल ये सारी बातें मैं खुद के लिए कर रही हूँ कि मेरे में इतने गट्स नहीं है यार कि मैं किसी लड़के से शादी कर लूँ लव मैरिज, या मेरे घर वाले अलाउ कर दे तब भी, या मैं किसी के घर की बहू बन जाऊँ, नहीं है यार, इतने गट्स होते तो सीधी सी बात है यहाँ तक नहीं आती मैं। और अगर माइंड से सीरियसली सोचा जाए, ऐसे कुआरा रहा भी नहीं जाता, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है रहना। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि घर वाले लव मैरिज मतलब ऐरे गैरे से नहीं अलाउड करेंगे। मैंने बोला 1%, 99% पहली बात तो अलाउड है ही नहीं ये सारी चीज़ें, होती तो अब तक की भाग जाती, शादी कर लेती कैसे भी करके, बट क्यों किसी को हर्ट करना यार। मैं मेरी माँ को क्यों हर्ट करूँ यार, जिसने पहले इतने दुख देखे हैं, ठीक है, जिसके हस्बैंड ने उसके साथ इतने बढ़िया बढ़िया सीन कर दिए, अब उसको मैं और क्या सीन दिखाऊँ, या मेरी बहन क्या सीन दिखाएगी। हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं यार, मतलब ऑलरेडी इतने परेशान, अभी नया सांग और खड़ा कर ले कि भाग के शादी कर ले या वैसे शादी कर ले, नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ तो हम प्रैंक में भी नहीं सोच सकते। और मैंने 1% बोला कि 99% तो मानेंगे नहीं, और रही बात 1% की, उस 1% में तब हाँ कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं घर वाले, ऐसी बात नहीं है, लव मैरिज भी अलाउड कर सकते हैं, लेकिन इंसान हमारे जैसा तो होना चाहिए, बी अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली, हमारी फैमिली जैसा तो हो वो लड़का, मतलब केयरिंग जैसे हम हैं, लविंग केयरिंग, मतलब जैसे हम हैं कि हाँ हमारे जैसा होगा तभी तो हम उसे अपनी फैमिली में अलाउ करेंगे। अब हमें ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा तो हम कैसे कर सकते हैं यार ये चीज़। बस नहीं,
नहीं, अब जब कोई मिलेगा कि जिसकी फैमिली अच्छी है, प्यारी है, जो जैसे हमारे जैसे हैं, अच्छे हैं, संस्कारी हैं, ठीक है, अगर हमें ऐसा कुछ दिखेगा तो क्या आपका लव भी हो जाए, और अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो घर वालों के ऊपर छोड़ ही रखा है। और घर वालों में भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि मामे और ये सब कोई साथ नहीं दे रहा, और मेरे पापा ने तो इतने गंदे सिस्टम को कर रखे हैं, पापा ने तो अपना अलग ही घर बसा रखा है, ठीक है, और तो वो तो क्यों ही करेगा। और एक बात और, अगर मेरी मम्मी की दोबारा बात उठाऊँ मैं, यार मेरी मम्मी ना मतलब 4-5 साल की थी जब मेरी मम्मी की शादी कर दी थी, मतलब पक्का कर दिया था बिल्कुल, और 12 खुद देख लो क्या उम्र होती है, और 12-13 साल की थी मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज, तो देख लो यार 12-13 साल की उम्र क्या उम्र होती है, इस उम्र में प्रेग्नेंट होना। फिर उसके बाद मैं भी 14-15 साल की उम्र में मैं हो चुकी थी मेरी मम्मी के, अब इतनी कम उम्र में यार, बच्ची थी वो, ठीक है, वो बच्ची खुद एक बच्चे को जन्म दे रही है, उसको क्या समझती दुनियादारी की। अब जैसे कुछ लोग मेरी मम्मी को ब्लेम कर देते हैं ना कि इसकी गलती है, यार बच्चे को मैं आज मतलब मैं बता दूँ ना कि 25 साल की उम्र तक भी ढंग से मैच्योरिटी लेवल नहीं आता इंसान में, 25 साल की उम्र तक भी उसमें बचपना रहता है, बहुत से लोग होते हैं, मेरे में भी बचपना है, मेरी मम्मी में आज भी बचपना है, ठीक, और काजल तो है ही बच्ची, तो यार उस टाइम मेरी माँ की उम्र ही क्या थी। जो ये लोग लांछन लगाते हैं ना कि तेरी माँ में कमी होगी, तुम तो सिंपैथी गेन करती हो, यार सिंपैथी गेन एक बार मैंने कुछ भी नहीं बताया यार मेरी मम्मी के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में, मेरी मम्मी ने कैसे क्या टाइम काटा। जब मेरी माँ ससुराल में थी ना, कुछ तो ये थी 13-14 साल की, अब इस साल की उम्र में बंदी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की हालत में उसको मारना पीटना टॉर्चर करना, ठीक है, और जब मैं हुई, मेरे होने के बाद भी मेरी मम्मी को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता था। मेरी मम्मी रोटी खाती थी ना, इसको बोलते थे इतनी रोटी नहीं खानी है, एक रोटी खानी है, दो रोटी खानी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हर चीज़ पे पाबंदी थी, और ऐसे मार देते थे। मेरी मम्मी आज भी बताती है कि मेरी मम्मी की आँख में ना तरेड़ आई हुई है, मेरे पापा ने इतनी जोर के थप्पड़ मारा था मेरी मम्मी के, डंडों के साथ पीट देता था मेरा पापा मेरी मम्मी को। तो बहुत सारी लड़कियां बोलते हैं कि तुम तेरी मम्मी में कोई कमी होगी, यार सारी बातें शेयर नहीं करी, ठीक है, और हम किसी के बारे में क्यों बोलेंगे यार, हमें क्या लेना, रहेगी दुनिया गंदी रहेगी अपने लिए रहेगी, अच्छी रहेगी अपने लिए, हमारा क्या, चाहे कोई अच्छा बन जाए चाहे कोई गंदा बन जाए, हमें तो कोई कुछ देके नहीं जाता। लठों के साथ मेरी मम्मी को ऐसे तोड़ दिया था, पूरी सूज गई थी मेरी मम्मी, और बेहोशी की हालत में मतलब भाग गई थी, फिर वहाँ से डर के फिर यहाँ अपने मायके में आई थी, बस में चढ़ के ऐसे ही, ना भाड़ा किराया कुछ नहीं था, इतनी बुरी तरीके से पीट दी थी। बहुत सारी बातें यार, मेरी माँ पे तो इतने अत्याचार हुए ना उस टाइम पे, मतलब मेरी माँ मरना मंजूर करती है लेकिन आज भी वहाँ जाना पसंद नहीं करती। तो हमारी खुद की लाइफ में बहुत बसड़ है यार, हम किसी का ना नाम लेते, ना किसी ना टारगेट करते, ना सिंपैथी गेन करते, और ये बात ऐसी है कि हमेशा हर चीज़ नहीं शेयर होती यार, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं सारी चीज़ें गुलवाने के लिए लोग, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती ये सब शेयर करना। अब किसी इंसान को जीने का हक नहीं है क्या, ये सबके अपनी फैमिली के रूल होते हैं, सबके अपने गट्स होते हैं, नहीं है हमारे में इतने गट्स यार, बस बात ख़त्म, ना हम किसी को टारगेट करते ना कुछ। और मैंने अपने व्लॉग में ये भी बोला था, भाई जिसका बन पड़ रहा है, जिसमें हिम्मत है वो करो, लव मैरिज करो, इसमें क्या दिक्कत है, जिसमें गट्स हैं, जिसमें हिम्मत है, जिसमें दिल है वो करो, जिसमें सहन शक्ति है करो, भाई हम में नहीं है सहन शक्ति, हम नहीं कर रहे। हाँ बट ये है कि ऐसा मना भी नहीं है कि जैसे बताया मैंने, देखो अच्छी चीज़ होता है ना गुलाब के फूल को हर कोई चाहता है, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं, तो सुख के साथ दुख भी होते हैं। तो जब हमें अगर कोई लगेगा मेरी मम्मी को हमें कि हाँ यार ये लड़का अच्छा है, इसकी फैमिली अच्छी है, सब अच्छा है, अच्छे को कौन एक्सेप्ट नहीं करता, मान जाएंगे घर वाले भी, अगर ऐसा कुछ सीन बनता है लव मैरिज का तो मान जाएंगे, बट अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं तो कोई नहीं मानता यार, कौन अपने बच्चे को कुएं में धकेलना चाहेगा, गंद में धकेलना चाहेगा, कोई नहीं धकेलना चाहता। और रही बात मारने पीटने की, अगर देखो माँ बाप होते हैं बच्चे होते हैं तो मारते पीटते भी हैं एक टाइम तक, अगर तुम गलती करोगे तो भाई तो चाहे तुम्हारी कितनी उम्र हो जाए, माँ बाप से तो तुम हमेशा पिटोगे, हमेशा, चाहे तुम्हारी कितनी उम्र क्यों ना हो जाए।
और जैसे ना एक बात बार बार बोलते हैं, ये भी मैं 3-4 साल से सुनती आ रही हूँ, सफाई सफाई सफाई। देखो पहला पॉइंट बताती हूँ, जैसे जब हम हमारा घर बनाने लगे थे, तो जैसे जब नया घर बनाते हैं तो सारे सामान इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और हमारे घर पे अब ये बात भी मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ या हमें ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे पास ज़्यादा सामान है या बड़ा घर है। मैं जस्ट बता रही हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बेशक घर आके देख लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना सामान है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहीं से अंदाजा लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तो अलमारी है हमारे घर में, ठीक है। 10 अलमारी हैं और 2 बड़ी बड़ी पेटी हैं और 8-10 संदूक हैं। यार इतना सामान है ना, और सारे भरे पड़े हैं। और तो और गठड़ी नहीं होती है, वो चुन्नी में बांधते हैं, गांव के लोगों को पता होगा, गठड़ी में बांध बांध के कपड़े इधर उधर रख रखे हैं भाई। बचपन मतलब ना स्टार्टिंग से, अब ये मत सोचना बड़ाई कर रही हूँ, बड़ाई नहीं कर रही, बट जो सच है उसको नहीं नकार सकते भाई, जो सच है सो सच है। तो बचपन से ही भले ही हालात कैसे रहे हो, भले ही मम्मी ने कैसे मर्जी भी करके, लेकिन हमें स्टार्टिंग से अच्छा पहनाया, क्योंकि कोई भी माँ है, कोई भी बाप है, चाहे उन्हें खुद भूखा रहना पड़े, लेकिन वो अपनी औलाद को तो अच्छे से ही रखते हैं भाई, उनको अच्छे से खिलाते हैं, अच्छे से पिलाते हैं। अब चाहे मैं भी क्यों ना हो, चाहे मेरे पल्ले कुछ ना हो, लेकिन कल अगर मेरी कभी भी औलाद होती है तो मैं ये कोशिश करूंगी, मैं खुद भूखी रह लूंगी लेकिन उसे खाना दूंगी। तो ये एक माँ की ममता होती है। तो माँ ने बचपन से ही मतलब अच्छे से खिलाया पहनाया। तो कहने का मतलब है, चाहे कैसे भी करके, दिहाड़ी मजदूरी कैसे भी करके, और हम तो बच्चे थे हमें पता नहीं होता था, तो मम्मी ने हमें स्टार्टिंग से ब्रांडेड कपड़े पहनाए, महंगे से महंगे मतलब कपड़े पहनाए हैं स्टार्टिंग से ही मम्मी ने। और आज भी मेरी माँ मेरे लिए सूट लेने जाती है ना, तो चाहे सूट 10,000 का हो, मेरी माँ को कोई वो नहीं होता भी, अगर अच्छा लग रहा है ना तो मेरी माँ खरीद लेती है। तो ये माँ की ममता होती है, ठीक है। और तो जैसे साफ सफाई की बात कर रहे थे, जैसे जब नया घर बना ना, तो क्या कहते हैं, सारा सामान इधर उधर हो गया, तो दो टीवी, फ्रिज, कूलर, ये वो, मतलब सारा सामान ऐसे अंगड़ मंगड़ हो रखा था बिल्कुल ही, पंखे और पता नहीं क्या क्या, जैसे घर में जितना होता है, जैसे हमारा ये सिस्टम है, सामान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो देखो, जैसे मेरे पापा आर्मी में थे, कुछ तो सामान वहाँ का था आर्मी का, ठीक है, कुछ मेरी मम्मी का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ससुराल का था, थोड़ा बहुत मायके का था, और फिर कुछ जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ती गई, काजल ने अपने अपने थोड़े बहुत, मेरा भी सामान, मम्मी का भी, ऐसे ऐसे करके मतलब जिस जिस सामान की ज़रूरत पड़ती गई, उस टाइम बचपना था, जो भी था ले लिया, कुछ बेच दिया। हमारे घर में एक बार चोरी भी हो गई थी 1.5-2 लाख की। तो ऐसे करके ना सामान काफ़ी ज़्यादा है। तो जल्द जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे घर बना, बनते बनते, अब हम करने वाले भी तो 3 ही थे और सामान इतना, उस टाइम नौकर भी नहीं रख सकते थे। तो अब यहाँ से भी मत सोचना बड़ाई कर रही है, बट जो सच है सच है। फिर जैसे धीरे धीरे हमने खुद ही सारा सामान सेटल करा। और सच बताऊँ, मैं तो मैं पढ़ाई में बिजी रहती थी, मैंने इतना योगदान भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत ही दिया है। तो काजल और मम्मी दो ही थी ये ज़्यादा, क्योंकि मेरे यार कॉलेज होते थे। मैं अपनी कभी स्टडी के बारे में भी बताऊंगी, आप हिल जाओगे पूरे के पूरे मेरी पढ़ाई के बारे में सुन के। तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा बिजी रहती थी, क्योंकि थोड़ा सा बता देती हूँ पढ़ाई के बारे में भी। जैसे 3 घंटे की क्लास होती थी और 3 घंटे की लैब, 6 घंटे तो ये हो गए, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक लगा लो या 15-20 मिनट का लगा लो, 7 घंटे हो गए, 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का, 3 घंटे, 10 घंटे हो गए। और फिर आने के बाद बंदा नहाएगा, खाएगा भी, पढ़ाई भी करेगा, जो कॉलेज में काम मिला वो भी करेगा। तो कम से कम 15-16 घंटे लगा लो। अब 15-16 घंटे मैं इतनी बिजी रहती, ठीक है, तो भी मेरे पास सिर्फ सोने का टाइम होता, और फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह वही 5 बजे उठ के सेम रूटीन स्टार्ट हो जाता। तो मैं तो अपनी पढ़ाई में बिजी थी, ठीक है। तो बच्ची मम्मी और काजल ये थोड़ा बहुत बेचारी करती रहती थी घर में, साफ सफाई काम वगैरह जितना भी होता था। और फिर उसके अलावा देखो, घर में कोई आदमी भी नहीं है जो पर्सनल आदमी हो कि उसको बोल दे तू ये कर दे वो कर दे। घर में सिलेंडर भी उठाना होता, औरत कैसे उठाएगी, देख लो। अब कुछ काम करना तो बाहर से आदमी बुलाना पड़ता है, भाई पड़ोसी बुलाए या कुछ बुलाए, कोई भी दिख जाए भी आ जाओ कर दो हमारा ये काम, सिलेंडर उठा दो, पेटी उठा दो, फलाना कर दो, दिकड़ा कर दो। तो वो सारी चीज़ भी, तो सफाई का फिर यूँ हुआ, इन्होंने थोड़ी बहुत करी, जैसे जैसे घर सेटल हो गया, पेंट हो गया, पत्थर लग गया, ये वो, सफाई सेटलमेंट होने लगी धीरे धीरे। अब मुद्दा ये आता है कि हम डेली ज़्यादा से ज़्यादा सफाई क्यों नहीं रख पाते, बट हम अपनी तरफ से फिर भी पूरी कोशिश करते हैं। अब मुद्दा ये आता है, देखो अब बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मत सोचना कि अपने आप को ज़्यादा अमीर दिखा रही है,
बट जेन्युइनली भगवान की दया से पता है हमारा घर इतना बड़ा है, मैं सच्ची सच्ची बताऊं, अगर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने बैठेगा नहीं, सिर्फ झाड़ू पोछा पूरे 2 घंटे लगते हैं कम से कम, बता रही हूँ, अब यहीं से अंदाजा लगाना घर छोटा है बड़ा, ठीक है। और पूरे घर नहीं मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से, लाइक कमरों में कर दी, गैलरी वैलरी में, पूरे घर की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मतलब जैसे सीढ़ी सुड्डी साफ करनी हो, पैड़ी वगैरह, और मतलब मोटा मोटा बता रही हूँ, अगर मोटा मोटे भी घर में झाड़ू पोछा करे ना मोटा मोटा भी, तो पूरे 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरा खुद का करा हुआ है ये चीज़, झाड़ू भी मारी पोछा भी मारा, ठीक है। और अगर और एक्स्ट्रा साफ सफाई करे ना, और एक्स्ट्रा साफ सफाई करे, मतलब फिर 3 टाइम खाना भी बनाना, घर के भी काम देखने और बाहर अंदर के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या कोई भी काम है पर्सनल एक्सटर्नल, कुछ भी काम बहुत होते हैं, कोई घर पे आ जाए बंद, ठीक है, अब संभालने वाले हम ही हैं, कोई बाहर से आ जाए, मामे आ गए, कोई आ जाए, ठीक है। अब जैसे मामे और यहीं रहते हैं, तो इन यहाँ से कोई ना कोई आता रहता है, भाई भाभी मामे मामी, कोई ना कोई आ जाए यार, अब बंदा आया है तो उसको चाय पानी भी देना पड़ेगा, 2-3 घंटे यहाँ इंसान बैठेगा भी, बातें मारेगा, अब सारा टाइम तो यार उनमें खप गया, तो बंदा झाड़ू पोछा किस टाइम करेगा, तो मतलब यार जैसा मतलब, बट फिर भी हम ये करते हैं कोशिश। और देखो हमने आंटी भी लगा रखी है, आंटी हमारे घर में झाड़ू पोछा पूरा घर साफ करके जाती है, बट वही बात है, एक चीज़ को यूज़ करेंगे तो ख़राब भी होएगी, फिर हम भी करते रहते हैं जैसे जैसे टाइम लगता है, झाड़ू मम्मी भी निकाल देती है, हम भी पोछे में भी, बट यार घर इतना बड़ा है सच्ची बताऊँ तो ना, ये साफ सफाई के लिए पूरे 5 घंटे मांगता है। और अब तुम खुद हिसाब लगा लो कि अगर बंदा डेली 5 घंटे घर की सफाई करेगा तो फिर खाना कौन बनाएगा, घर के काम कौन करेगा, तो सारी चीज़ें बस ये रीज़न है साफ सफाई का। बट फिर भी अब खुद देख लो, आंटी भी आती है, मतलब यूँ लगा लो दूसरे तीसरे दिन तो आंटी आ ही जाती है, पूरे घर की सफाई करके जाती है, पूरे घर में हाथ से झाड़ू, हाथ से पोछा और सारा कुछ हाथ से करती है, बाथरूम भी साफ़ करती है, किचन भी साफ़ करती है, सारा कुछ करती है, और फिर हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और फिर हमारा मतलब ये वीडियो बनाने का भी काम हो गया, ये प्रोफेशनल वर्क है, ये वीडियो एडिट करना, शूट करना, ये सारा करना, ये भी हमें देखना पड़ता है, अभी कोई एक्सटर्नल मैनेजर नहीं रखा हुआ, क्योंकि अगर वो भी रखेंगे तो उसको भी भेजना, फिर वही बातें तो वही पड़ जाती हैं, वही टंटे बार बार कि उसको पहले भेजो, फिर वो करके देगा, फिर वो हमें भेजेगा, फिर उसको डाउनलोड करो, मतलब मैनेजर रखे, मतलब इन चीज़ों के लिए मैनेजर, वैसे तो मैनेजर हैं मतलब, बट अगर इन चीज़ों के लिए भी रखेंगे तो टंटे बढ़ जाएंगे, तो यार काफ़ी कुछ है। अब मतलब लोग सोचते हैं कि सारी बातें शेयर करें ये वो, और रही बात किचन की, किचन में भी झाड़ू पोछा तो डेली होता है लगभग, और वो जो स्लेप है ना, स्लेप मैं बताती हूँ क्या, स्लेप का कलर है ब्लैक, और जैसे हमारे ना आटा होता है, देखो मैं बताती हूँ, आटा होता है जैसे ऐसे ऐसे रोटी पोती है ना मम्मी, तो वो आटा झड़ जाता है साइडों में, और कुछ गंद नहीं होता वहाँ पे, 1% भी गंद नहीं होता, बस जैसे ऐसे ऐसे रोटी बनाती है ना मम्मी, तो मम्मी को आदत है, तो वो आटा झड़ जाता है, वो आटा आटा बिखरा रहता है, तो ऐसा लगता है गंदा है। और फिर किचन का तो यह है भी, रसोई में जब बस गैस को बार बार यूज़ करेंगे, जैसे सुबह बना लिया, दोपहर को बना लिया, और यार वो ऑलमोस्ट गर्म ही रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, चाय बनती रहती है कभी कुछ कभी कुछ, तो वो गर्म ही रहती है, ठीक है। तो गर्म रहने की वजह से फिर मतलब अब गर्म गैस को बंदा कैसे साफ करेगा, तो जिस दिन लगता है कि हाँ आज घर में शांति है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो हम गैस भी साफ कर देते हैं। और वैसे तो अब 3 टाइम रोटी बनती है हमारे घर में, जैसे हरियाणा में तो यार ज़्यादातर लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, तो जैसे जब रोटी बनती है 3-3 टाइम रोटी बनती है, तो आटा वो फिर बिखर जाता है, मान लो सुबह रोटी बनाई साफ कर दिया, दोपहर में बनाएंगे वो फिर बिखर जाएगा, फिर शाम को फिर बनाएंगे, कई बार तो 4-4 टाइम भी रोटी बन जाती है। तो हमारे घर में रोटी खाने वाले ज़्यादा ही हैं, मम्मी स्पेशली, हम भी, अभी तो 2 दिन से मैं भी सिर्फ रोटी खा रही हूँ, तो यही है कि रोटी हरियाणा में रोटी भी ज़्यादा खाते हैं, तो इस करके वो आटा ऐसे ऐसे झड़ता रहता है, तो ये है सफाई का। अब जैसे सुबह कर दिया साफ, दोपहर में कुछ बनाने लग गए, फिर मतलब अल्टरनेटिवली ऐसा हो जाता है कि वो बार बार गंदा हो जाता है। अभी ना आज की बताती हूँ, आज सुबह मम्मी ने पूरी स्लेब भी साफ करी जब मैंने रोटी बनाई, बट मैं इतना नहीं खिंडाती, मैं थोड़ा मतलब मुझे हिसाब है, मैं इतना आटा नहीं खिंडाती, आज सुबह के व्लॉग में देख भी लेना, वो थोड़ा ठीक होगा। तो ये सब सफाई का सिस्टम ही है यार। और एक जैसे हमारी ये खिड़की लगी हुई है, यहाँ से ना सीधा बाहर की, जैसे यहाँ ना
वो चलता रहता है ट्रैफिक हमारे इस गली में, इस वाली गली में ज़्यादा से ज़्यादा बाइक है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन सेंटर है, लाइब्रेरी है, स्कूल कॉलेज है, मतलब पास में हमारी गली में ये सारी चीज़ें, सेंटर वगैरह स्कूल, तो ना वो बार बार ट्रैफिक आता है। अब सेंटरों में लाइब्रेरी में तो ट्रैफिक आएगा ही बार 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 बार, जैसे धूल मिट्टी है ना खिड़की से अंदर आ जाती है, इसलिए भी सारी चीज़ें गंदी हो जाती है। अब यार इतने सारे काम होते हैं, एक इंसान क्या क्या करेगा। और वही बात है, चल आंटी तो अपनी तरफ से फिर भी काफ़ी सफाई कर देती है, लेकिन कितनी, मतलब वो भी बेचारी क्या क्या करेगी। वो एक दिन में ना पूरे घर में झाड़ू भी लगा जाती है, पोछा भी लगा जाती है, और उसको भी बेचारी को 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं, 3-4 घंटे। और फिर इन अगर मैं ये सारे काम करूँगी यार, अगर मैं खाना बनाऊँगी, सफाई भी करूँगी, तो यार मैं पढ़ाई कब करूँगी। तो इन चक्करों में पहले मेरी पढ़ाई का इतना लॉस हो रहा है, और मेरे को पहले डर है पता नहीं मेरे पेपर क्लियर होंगे या नहीं होंगे, मेरी पहले ही बैंड बजी पड़ी है, आधी तो मैं टेंशन में नहीं पढ़ पाती, और फिर आधी ये है ये सारी बसड़। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा आई होप आप सबको क्लैरिटी। अब अगर अभी भी कोई डाउट है, अगर आपको इस चीज़ का कोई सोल्यूशन लगता है तो आप बता देना। बाकी मेरे को ये कोई बड़ा ही नहीं है, बट सीरियसली मतलब मेरे को ये घमंड नहीं है कि हमारा घर बड़ा है, बस मैं बता रही हूँ कि जैसे गाँव में रहते हैं तो, मतलब गाँव नहीं, थोड़ा शहर टाइप है, बट मतलब एक टाउन टाइप है, तो घर की लेंथ है भाई मतलब काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से इतनी साफ़ सफाई पॉसिबल नहीं हो पाती। और तीन करने वाले हैं, तीनों को अपने अपने लाइफ के बहुत सारे काम होते हैं, बट जैसे भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम लगता है कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट चीज़ें फिर मैसी हो जाती हैं। और मेरे तो एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है भाई, जब तक मेरे एग्ज़ाम नहीं होते ना, मेरी किताबें तो लॉकर में जाती ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कभी ये बुक चाहिए, कभी वो नोट्स चाहिए, कभी ये कॉपी चाहिए, कभी वो चाहिए, तो सारा बाहर ही रखना पड़ता है। फिर अलमारी में एक बार रख दो ना, मिलती नहीं आसानी से, गुम होने का भी डर रहता है। सो दैट्स व्हाई। सो गाइस, आज तो मैंने पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि यार मौसम पता नहीं ऐसा हो रहा अजीब सा, कभी कुछ कभी कुछ, मैं तो कभी गर्मी लगे कभी ठंड लगे, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। और फिर मैंने करी एक एप्पल कट, खा रही हूँ एप्पल। सो गाइस, ये मेरा लंच, कड़ी एंड रोटी। आओ कर ला टाइम पास, कुरियर वाले आते टाइम पास खातर ज्वाइन कर ला है, कुछ अच्छे घर तभी हुआ है। सो गाइज, 24 घंटे जोत जलती है, अभी 4 बजने वाले हैं, मतलब 24 घंटे जोत जलती है। सो गाइज, ये पानी की बोतल ले ली एंड पैकिंग कर ली मैंने, ये लैपटॉप वाला बैग है ये ले लिया, एंड अब जा रहे हैं। इतनी गर्मी लग रही है, इसकी वीडियो शूट करने आए थे यहाँ पे, वो देखो सूरज कितनी तेज, खून चूस लेना गर्मी में, जमा 1 घंटा हो गया। नून नान चली जाए, फिर वो लाग जाएगा नहीं। सो गाइस, 4:30 बज गए, 4 अभी 4:30, तो अब जाएंगे लैपटॉप वाले के पास, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। सो गाइस, बहुत बड़ा पोपट हो गया, ताला लगा हुआ है, किसे हैं
गाइज आ गया हूँ वहाँ से और हालत देख लो कैसी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, जिंदगी झंड। यार जैसे मेरी माँ के सर जैसे जैसे मेरी माँ के सर पे बाप नहीं था ना, तो इसने इसने तलवे चाट चाट के रिश्ते निभाए मेरी माँ ने। भाई हमसे ऐसे तलवे नहीं चाटे जाते लोगों के, क्योंकि हम जेन्युइनली दिल से निभाते हैं, जिसको दिल से रहना रो और ना भड़ में जाओ। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा, आज इतनी ज़्यादा भसड़ होगी तो मेरा माइंड ख़राब हो गया था। ऊपर से मेरे को मेरे फोरहेड पे दो पिंपल निकल गए हैं, एक गोलगप्पा निकल गया और एक मोमोज निकल गया तो फिर हेल्थ भी ऐसी चल रही है, क्योंकि ना जब मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं मैंने ना योगा किया ना वर्कआउट किया, क्योंकि बीच में हेल्थ ख़राब थी। इन दिनों में मेरी पेट ख़राब चल रहा था, जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा भी होगा। तो मैंने सोचा ऐसे तो हेल्थ ऐसे बढ़ती 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 ख़राब ही होएगी, ठीक नहीं होएगी। फिर से मैंने अपना योगा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फ़िलहाल यही है जो माइंड रिलैक्स करता है, बॉडी रिलैक्स करते हैं। और मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अपना वर्कआउट भी स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर आज जो भी हुआ वो सारा मतलब फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैंने योगा स्टार्ट किया, तो मैंने योगा प्रैक्टिस भी किया। और आई वॉज थिंकिंग कि मुझे पहले की तरह वर्कआउट भी स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले मैं एक दो दो घंटे वर्कआउट करती थी, तो अभी जैसे मोटापा भी बढ़ गया है मेरा, मोटापा इन द सेंस मेरा स्टमक बाहर आ गया। अभी खाए पिएंगे तो यार बाहर आएगा ही, और कुछ नहीं करेंगे तो आएगा ही। अब सारा दिन पड़े रहेंगे तो कुछ यही दिक्कतें होएंगी, तो हेल्थ इश्यूज बढ़े। इससे पहले मैं अपना फिर से अपने उस पर आ जाती हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अभी योगा धीरे धीरे, और फिर वर्कआउट भी, तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। बट हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो यार सब कुछ है। कम 5 या 10 मिनट मैं हेड स्टैंड करती हूँ। फिर ये सब करने के बाद मैंने 1 घंटा योगा किया था, तो फिर मैंने जो मेरा काम होता है मैट उठा के रख दिया मैंने। फिर योगा करने के बाद मैं चली गई थी पूजा करने। इवनिंग पूजा की वीडियोस मैं आप लोगों को नहीं दिखाती, वैसे ही बस। फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई स्टडी करने, तो जितनी मेरे से हुई उतनी मैंने की, क्योंकि जैसा कि आज आप लोगों ने देख भी लिया था कि कितनी सारी फ्रस्ट्रेशन आई हुई थी बाहर से, कितनी नेगेटिव चीज़ें आई हुई थी, तो मेरे से ज़्यादा भी नहीं हुई स्टडी, बट फिर भी मेरा जितना दिमाग मेरे से लगा मैंने कर ली। और फिर मुझे ना शाम को नींद भी आने लग जाती है बहुत जल्दी, तो मैं इवनिंग में इतनी एक्टिव नहीं रहती,
खुद को एक्टिव रखने के लिए पानी पीती रहती हूँ। सो गाइस दिस इज़ माय डिनर। जी बुरा मांस तो उठे की तरह लक्षण ही से है नहीं। जिंदगी में कुछ बनाओगे भी कौन डंकार दूध मनु नहीं ब्याह कर दे जो कर तने बे रखे थे यार। कड़छी कौनचा कड़छी कौनचे के लिए यू हमारे घर में सब पुरानी है जी ना। अरे वो ना लाड़ लग गई जो कर रबड़ नहीं होया करा रबड़ की डाल लग गई नहीं नीचे गिरन लग गया। बनेगा तो वो नुए लेकिन तने भी घोड़ा नहीं आया पड़ा है वो बिना पीछे भी हो जाएगा वो लेकिन तने भी घोड़ा को नहीं आया मैंने यूज कर रखा। अच्छा मैंने मेरा मैंने एक डब्बा मंगवाया था मैंने एक मास्क ऑलरेडी मैंने खाए भी रखे अब तक 10 दिन और यूज भी फेस पे भी यूज कर रखा। अच्छा हो भाई यू इसमें काफी अच्छी मतलब बेस्ट फूड सप्लीमेंट है यू। टैनिंग हो रही है क्यों कर हटेगी ये भी तेरे रुपये तो हैंड कर दो रुपये मैंने कर कौन नहीं देख टैनिंग देख मेरा भी हो रही है वो हो जाए बट तेरे तो ज्यादा हो रही मेरी अट दी को नहीं टैनिंग नु को नहीं अट है तो कराया पूरी लिपट रही चंदन मैं के मेरा माथे मुते गली गर्दन सब ब्याह को नहीं होगा बस अरे मैं भी नहीं ब्याह सब कुछ हो है के अरे भाई ब्याह भी तो जरूरी है और इस घर में कौन बरतेगा इस घर में गऊ साड़ा में दे देंगे अच्छा एक तो पहले मामे नहीं सके हैं और ऊपर तो है क्यों कर संभाल है सोच ली तो पढ़ा है मनोज नु फुकरी मारे ता नहीं कुछ काम चलिया कर दे मतलब दूसरा बार नु बोलिया मरो तो मरो और फिर घर आका भी नू बोल गया भाई मरो तो मरो टेंशन ले हो तो ले हो टेंशन का सोल्यूशन भी हो उसका आम के जहाज मांगा है बताइए इतनी बड़ी बड़ी बात बोल जा है एक ऑप्शन तो था उसने कहीं ना कहीं तो उस पर केस ठोक सकते या कुछ भी कर सके थे पापा की तरफ तभी चल लगन ना मैं लग भी जाऊं लग गया तो क्या होगा फिर मना ही मांगेंगे ना थोड़ी ना मांगेंगे इब्बी भी फिलहाल पीसा तो मैं कमाए रही हूँ फिर भी नहीं उठ रहे कड़ी नहीं उठ दे मैं मिनिस्टर बन जाऊं फिर भी कौन नहीं उठ रहे गणी तगड़ी बदनाम कर रखी गणी तगड़ी और मम्मी भी कर रखी वो लगा ही नहीं आई उस छोरे की बेबे नू कह आपके बारे में तो नू कह रखे भाई गणी घमंडी है वानी राम ना राम भी कंधी उन्हें तो घमंड आ रहा उसकी छोरी कमान लागी नु बोली मना मिल का तो ऐसा लगा नहीं आपके अंदर घमंड है फिर मैं बोल आंटी नाम बताओ नु बोली नाम तो के बतावा मखाइया नहीं मखा मखा ना अच्छा तो नाम बताओ फिर बातें क्यों छेड़ो भाई घमंडी है टेंशन भी क्यों दे भड़क दे चुल करो अगली के दिमाग में घर बार ना देखा उस पर कड़ा तगड़ा करा लग गया लोग मम्मी भी तो डंडा दे मम्मी भी तुहानू कहा भाई ब्याह होना चाहिए कोर के कुआरी मरेगी वो तो मैंने बेरा ही है वो तो उस पंडित के कहने से पहले बेरा था मैंने
फिर एक बार ब्याह हो जाएगा, बालक हो जाएंगे, तब तक इसके बाल करना संभाल बने, मारा भी जी लग जाएगा, घर कुटुंबा परिवार जी लग गए, तीन जने कड़ा माथा मारा है। थोड़ा नहीं करना है बोनू बोलिया भाई इसका कदी कर दियो था हम ब्याह या जोड़ा लेकर हस्बैंड के साथ घूम रही थी बाइक पे, अब इसका नहीं जल जल तो होगा भैया, इसके तो छोटा था के भी हो लिए, इसके साथ क्या क्या तो हो ही गई, और जब यह दसवीं में थी जब उस के नाम था उसका वो गोरी चिट्टी थी उसके तो मतलब बड़का कभी हो गया होगा गबड़ तो बीवी है इसमें रावण जितना पाइल में बेरा नहीं किस चीज का मैं तो तू कहूँ किस चीज का अपना अल्लाह नहीं पल्ला बाप बे है पढ़ने की बात नहीं है नू एक बात बता पढ़ने की बात को नहीं नू के किसी के पल्ला जाकर बंद जा मनोज एक बात बताऊं मेरी फ्रेंड थी बोली एक मेरी पड़ोस तो मेरी फ्रेंड ने बताई बोली पड़ोस में घटना घटी तो ही अरे एक लड़का और मिला था वो भी बोला कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मेरे विवास तेरे तेरे पानी खत्म है मतलब इसकी मर्जी तो इना बुढ़ा करन लायक दी डे बाय डे बुढ़ापा नजदीक आ लिया यार दुनिया रे घर है ना तो चाहिए मुंह कम जावे ते हुआ इसको कम जावे ते हुआ कोई नहीं कम ना किसी दो दर सारे अजीब लग गया करें।